सिंध जी बहादुर ए मज़ामत जी अलामत बणियल माई जिंदो मुफलसी वारी जिंदगी गुजारे बुखू काटण ते मजबूर है। टंडो बहावल वाक्य में सब का वधिक मुतासिर थींदड़ अमा जिंदो के सभी विसारे छो, पर जर्नलिस्ट्स राइटर्स फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस पांजो अवलीन फर्ज समझंदे माई जिंदो के घर वनी सहायता करण सा गड खेस मोबाइल फोन दई उनमें अकाउंट खोलाए दिनों तीय सिंधवासी संदस माली सहायता कर सकन। गोपाल यो खानो खराब खुदा करे हन चीज बनी खड़ी हो मुझी भी खड़ी अलै रखे मोकी न थे कंधलेस बरसिंग वो की दिस मेरा माई जिंदो पंजा दुख बुधाइंदे जयो त एक पासे हु भुखू काटन ते मजबूर आहिन त बे पासे गोठ जो बासर वडेरो अलै रखे गोपांग संदस जमीन ते अन्या ते कब्जो कय बैठो आहे ए हु खेन गोठ मा लडाण जु धमकियों दे रहे है। ये असा तंजीम ठाई है जर्नलिस्ट राइटर्स फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस यह जो असा तंजीम ठाई है इन तंजीम जो जो खास मकसद है तो मजलूम मानू की सपोर्ट करनी आ मजलूम से गड बीहणो आ। मां जिंदो सिंध जो उहो तारीख सास किरदार आ जै वक्त जे जाबरन के झुकाए रखियो हन अजीम कुर्बानी डेई उहो जो को हन जे पुटन जो कातिल हुयो उन के फांसी जे फंदे ताई पहुंचायो। ये मुंजी पंज खटियों खाली थी वई उनन जी कुर्बानियों वरी उन लाए वरी चवे थी नाज़िम जोखियो जी अमर के उन जी वनिय के चवे थी जी आऊं विड़ी आया जी आऊं छह महीना जेल में वेही आया तई भी इन बहादुरी सा इन हिम्मत सा तई पांजो केस विड़ंदा हो। तकलीफ वारी जिंदगी गुजारे थी परेशान है बवेला मानीला परेशान है उत घर में पंज लाश निकता हैं वो तकलीफ उनके आई अज भी उन्हें बे इंतहा याद करे थी तमाम घणो रोए थी परेशान रहे थी। सिंध जी ही बहादुर औरत ए मज़ामत जी अलामत अमा जिंदो अज मुफलसी वाली जिंदगी गुजारण ते मजबूर है। अचो त सब सिंधवासी गड़जी अमा जिंदो जी माली सहायता कयूं त जी ही पंजे बच्चन सां सही नमूने सा जिंदगी गुजारे सके। कैमरामैन नसीबरिंद ए साथी रिपोर्टर जान मोहम्मद सागर फहीम बबर सिंध टीवी न्यूज़ हैदराबाद।